मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेके मेरे प्रतिद्वंदी रहे लड्डू राम जी, उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई थी पहले याचिका, तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था। उसके खिलाफ उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी। शहर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह को अनुसूचित जाति वर्ग का मानते हुए छानबीन समिति द्वारा प्रमाणित किया गया था। छानबीन समिति के अभिमत पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए विधायक श्री जज्जी को याचिका में बड़ी राहत देते हुए विधायक के विरुद्ध लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल अशोकनगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में लड्डूराम कोरी जजपाल सिंह के विरुद्ध चुनाव हार गए थे। श्री जज्जी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए हारे हुए नेता लड्डूराम कोरी ने उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका दायर करते हुए श्री जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज किया था, जिसे आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अब जो है ये सुनवाई योग्य नहीं है। तो आज निर्णय हो गया उसका। क्या कुछ आप मानते हैं कि चुनाव लड़ने में अब जो बाधा थी वो खत्म हो गई है? नहीं, चुनाव अलग मैटर है, वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी चुनाव लड़ाती कि नहीं लड़ाती, तो ये अलग मैटर है। तो हाँ, ये ठीक है, इस बारे में लोगों ने सोचता, लेकिन मुझे अपने इष्ट पे भरोसा। चार वर्ष तक चली सुनवाई में हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा जजपाल सिंह को अनुसूचित जाति वर्ग का मानते हुए फैसला सुनाया गया था। उच्च न्यायालय की युगल पीठ के फैसले से असंतुष्ट होते हुए याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा डबल बेंच के फैसले, छानबीन समिति के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को आधार मानते हुए विधायक के विरुद्ध चल रही याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से विधायक जज्जी को बड़ी राहत महसूस हो रही है। विधायक जज्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिले और अशोकनगर विधानसभा की राजनीति ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। कितने आश्वस्त थे इस मैटर को लेकर? नहीं, मैं तो जीवन में हमेशा अपने इष्ट पर भरोसा किया, इसलिए मैंने कभी किसी बात को लेकर चिंता की नहीं है, क्योंकि मेरी हमेशा मान्यता रही है कि मेरे इष्ट तार वाले हनुमान जी हैं, तो वो जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे। हो सकता है तात्कालिक मुझे भी लग सकता है मेरे खिलाफ़ है, या दुनिया को लग सकता है मेरे खिलाफ़ है, लेकिन मुझे पता होता है कि वो मेरे पक्ष में करते हैं जो करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा रहता है। मैं कभी सोचा नहीं मैंने ज़्यादा।